ये मोती हिल, और मोती हिल का गेट नंबर 1 है ये, और मेट्रो का गेट नंबर 1 है। तो यहाँ तक भी मेट्रो फिलहाल आई है, और यहाँ से लेके आईआईटी तक गई हुई है, तो बीच में 6-7-8 स्टेशन पड़ते हैं। तो और आगे इस तरफ काम चल रहा है, माल लोड चुनीगंज परेड होते हुए ये जाएगी घंटा घर से निकल जाएगी बर्रा रोड साइड, तो उसमें भी काफ़ी टाइम लगेगा। उधर का काम कंस्ट्रक्शन का स्टार्ट है, इधर जो मेट्रो स्टार्ट हो चुकी है। और ये देखिए राइट, ये मेट्रो का स्टेशन है मोती का, तो यहाँ का मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो ये है मेट्रो का स्टेशन, और देखिए काफ़ी सन्नाटा है और काफ़ी क्लीनियस है, मतलब साफ सफाई पे बहुत ज़्यादा ध्यान है यहाँ पे, साफ सफाई का बहुत ख्याल करें। और ये मोती का गेट है, ये व्यूज देखिए ऊपर से स्टेशन का, तो ये मोती का स्टेशन है। ये मोती का पहला स्टेशन है मेट्रो का जो कि कंप्लीट है पूरी तरह से, और ये मोती के गेट का व्यूज है देखिए, तो ठीक है अच्छा है। मोती का गेट है, अब हम मोती के गेट के अंदर जा रहे हैं, ठीक है अंदर जाके मिलते हैं आपको। क्या ये मोती का गेट है, ये मोती पार्क है अंदर, तो यहाँ पर भी पूरी तरह सन्नाटा है, इस तरह का है नहीं क्योंकि मौसम भी ठंडा है। अभी अंदर जाएंगे और अंदर जाके भी आपको दिखाएंगे कि अंदर क्या है, और ये टिकट काउंटर है, यहाँ से टिकट मिलता है। तो अंदर का व्यू भी अच्छा है, अभी चलते हैं देखते हैं, ठीक है। म्यूजिकल फाउंटेन के गेट पे आ चुके हैं, शायद आज बंद है। आ चुके हैं म्यूजिकल फाउंटेन पार्क, और ये लश का गार्डन एंड कैफे भी है यहाँ पे। चलते हैं फिर अंदर देखते हैं अंदर के नज़ारे क्या हैं। तो आपको कानपुर के म्यूजिकल फाउंटेन के अंदर लेके चल रहे हैं, और व्यूज़ वगैरह तो काफ़ी अच्छे हैं यहाँ के, लाइट म्यूजिक है, बट सन्नाटा बहुत है। सन्नाटा इसलिए है शायद आज फ्राइडे का दिन है और वर्किंग टाइम भी है, तो इसी वजह से कुछ सन्नाटा सा, कुछ नहीं क्या काफ़ी सन्नाटा लग रहा है मुझको तो, बट मुझे दिखाना था यहाँ का व्यूज़, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है नज़ारा। अगर फैमिली वगैरह के साथ आना चाहें, दोस्त के साथ आना चाहें तो अच्छा है, घूम सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, पार्टी वगैरह कर सकते हैं, बर्थडे सेलिब्रेट कर सकते हैं, तो अक्सर लोग यहाँ पे आते हैं। देखिए ये देखिए काफ़ी अच्छे तरीके से मेंटेन किया हुआ है, लोकेशन भी ज़बरदस्त है पार्टी वगैरह के लिए। ठीक है तो देखते हैं, ये देखिए म्यूजिकल फाउंटेन व्यूज़ देखिए आप यहाँ के, व्यूज़ काफ़ी अच्छे हैं। ये देखिए ये रेस्टोरेंट है, बिल्कुल सन्नाटा है एकदम, पूरी तरह सन्नाटा, इस टाइम पे सन्नाटा है। वैसे इतनी भीड़ होती है कि यहाँ पे ये समझ लीजिए कि खाने पीने के लिए काफ़ी टाइम तक वेट करना पड़ता है, तो टोकन चलते हैं यहाँ पे, टोकन्स वगैरह लेने के बाद भी इंसान को काफ़ी वेट करना पड़ता है। ये देखिए मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, रात का टाइम है और लाइट्स यहाँ थोड़ी सी कम है, देखिए म्यूजिक वगैरह का भी पूरा का पूरा सिस्टम है यहाँ पे, और ये काफ़ी फाउंटेन्स हैं बट कोई चालू नहीं है क्योंकि बहुत सन्नाटा है, तो व्यूज़ भी क्लियर नहीं आ रहा है, मगर फिर भी दिखाने की कोशिश करते हैं आपको। एक इसमें फाउंटेन चालू है देखिए, तो और बाकी बहुत ठंडा है, ऐसा लगे सर्दी सर्दी का मौसम का व्यूज़ कुछ और हो जो आपको देखने में अच्छा लगे। देखिए रेस्टोरेंट हैं छोटे छोटे स्टॉल टाइप के, और सब खाली पड़े हुए हैं, अब बैकग्राउंड में म्यूज़िक चल रही है और स्मूथली लाइट है, स्लो लाइट है, मतलब ऐसा माहौल है कि प्यारे फील्ड वाला है कि मतलब कपल आए आराम से बैठे, सुकून से बातें आते करें, अपने टाइम एक्सप्लेन करें, तो उसी तरीके से इसको मॉडिफाइड किया गया है, मतलब कोई शोर शराबा हाउस पाउच नहीं है। हाउस पाउच यहाँ होती है शाम के टाइम में ही, मतलब दिन में होती है और
शाम के टाइम जो है बसुकून से इंसान आता है अपने ऑफिस से, अपने काम जाए, अपनी बीवी को, अपनी गर्लफ्रेंड को, अपने दोस्तों को लेके आए, आने के बाद यहाँ पर आराम से बैठ के अपने यही सब होता है। लेकिन लाइफ कम होती है। कैफ खड़े हैं, बिलाल भाई हैं, रियान भाई हैं, बस कुछ है ही नहीं यहाँ पे, सन्नाटा है। तो इतना सन्नाटा है कि बस आ गए हैं और सोच के आए थे कुछ और, लेकिन हुआ कुछ और, लेकिन आ गए कुछ ना कुछ, तो थोड़ा शूट कर ही लेते हैं ताकि आपको बताएं। आए खाली हाथ, आए खाली हाथ वापस जा रहे हैं, ना कुछ पब्लिक है, ना कोई रेस्टोरेंट है, और ना ही कुछ इस तरीके का शोर शराबा है कि इंसान जो यहाँ पे पिकनिक मनाए या शूटिंग करे या कुछ खाए पिए। तो अभी तो फिलहाल ऐसा कुछ लग नहीं रहा है यहाँ पे, लेकिन जल्द से जल्द आएंगे और ऐसे टाइम पे आएंगे, ऐसे दिन आएंगे जिस दिन के यहाँ चल रहे हैं वापस। ठीक है, तो चल ऐसे रहे हैं कि खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जा रहे हैं, और कुछ हाथ नहीं लगा, मतलब कुछ इस तरीके का शूटिंग वगैरह भी नहीं हो पाई। अभी देखिए बिलाल भाई हमारे कैसे आगे आगे चल रहे हैं, लेकिन मज़ा नहीं आ रही है, बेचारे एकदम मायूस मायूस से वापस जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं सोच रहे हो आके फंस गए। क्यों बिलाल भाई, कुछ बोलो, आके फंस गए क्या? बोलो, तो आएंगे किसी टाइम, दिन पे आते हैं और दिन में आके फिर आगे के व्यूज आपको सही क्लियर दिखाएंगे, क्योंकि दिन की शूटिंग की बात ही अलग है। और ये असल में फेयर फील्ड टाइप का मॉडिफाइड किया हुआ है, तो यहाँ पे ज़्यादा जो है मतलब रोशनी नहीं है, और जब रोशनी नहीं है तो फिर आप समझ सकते हो कि अगर यहाँ पर शूटिंग वगैरह करना कितना मुश्किल है, कितना डिफ़िकल्ट है मतलब। तो बस अपने कपिल वाइफ और फैमिली के साथ आता है इंसान यहाँ पे, बैठता है, घूमता है, फिरता है, खाता है, पीता है और बातचीत करके अपने, तो उसी हिसाब से लाइटिंग वगैरह का भी सिस्टम दिया हुआ है। बट जो भी है स्लोली है, लेकिन बहुत रोमांटिक व्यूज़ है। आप एक बार इस तरीके से देखने की कोशिश करिए, कितने मतलब जो व्यूज़ हैं मेरे हिसाब से तो बहुत वैसे हैं कि मतलब इम्प्रेशन जो है इसका एकदम बिल्कुल बहुत ज़्यादा रोमांटिक है। बहुत दूर तक तो खैर नहीं दिखा पा रहा हूँ, बट जहाँ तक दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ तो आप खुद देख सकते हो कि बैकग्राउंड में म्यूज़िक वगैरह भी है, रेस्टोरेंट है, सब दूर दूर पे है, मतलब किसी को किसी से कुछ मतलब नहीं है, बस आइए बैठिए, खाइए पीजिए और इन्जॉय कीजिए। तो उसी के अकॉर्डिंग इसको मॉडिफाइड किया हुआ है, ये मोतीली का अच्छा एरिया है, म्यूजिकल फाउंटेन। और ये बिलाल भाई, कैब भाई और अपने रियान भाई तीनों लोग खड़े हुए हैं और ये भूखे बहुत हैं, कह रहे बस जल्दी से कुछ ना कुछ चल के खाते हैं, चलिए कुछ ना कुछ खाते हैं चल के। ओके, ये मोती हिल के गेट के बाहर जो मेन पार्क है मोती हिल का, उस पर सारे स्टॉल लगे हुए हैं, बच्चों के सारे आइटम हैं, आइसक्रीम यही सब सारे आइटम हैं, नारियल का पानी देखिए यहाँ बहुत ज़्यादा बिकता है मोतीहिल के बाहर का। कानपुर में कहीं भी आपको नारियल का पानी ना मिले तो यहाँ मोतीहिल के बाहर ज़रूर मिल जाता है। तो हम लोग भी गर्मी में पीते हैं, इस टाइम तो हल्का सा गुलाबी मौसम हो गया सर्दी टाइप का। देखिए भाई लोगों ने आग तक जला रखी है, इतना ठंडा। अब हम आ गए हैं मोतीहिल गेट पर, अब हम भैया से कहेंगे टिकट के लिए, तो टिकट उसे लेके फिर चलते हैं अंदर, अंदर का व्यूज़ दिखाते हैं आपको। देखिए गाइस मोती हिल के अंदर हैं, लेकिन मज़ा नहीं है। अब आप खुद बताइएगा कि यहाँ हम आने आके गलती की है या सही आए हैं। पूरा बंद है, देखो गाइस पूरा सब कुछ बंद है, टोटल मेरे ख्याल से 90% तो बंद ही है। ये देखिए कुछ है ही, ये यहाँ ट्रेन है, और देखिए सन्नाटा है बिल्कुल एकदम, पहले सन्नाटा। चलिए ठीक है फिर गाइस, यहाँ तक के वीडियो बहुत लंबी होती चली जा रही है और कुछ कायदे का ऐसी चीज़ आने रही है जो आपको दिखाया जाए जिसको आप देखना चाहो, फिर भी वीडियो बहुत लंबी होगी नाना करते हुए भी, ठीक है ना।
तो एक चीज़ हम आपको और दिखाते हैं, यहाँ पे एक झूला है, ये झूला जो है बुलेंड्स को बोलते हैं जी। ये पहले झूला बाहर हुआ करता था, अभी इंडिया में नया लॉन्च हुआ है, तो इस पर बच्चे अक्सर टिक नहीं पाते अक्सर और गिर जाते हैं। मैंने आज तक कभी ऐसा देखा नहीं कि कोई बच्चा इस पर टिक पाया हो लास्ट तक। बहुत संभालने के बच्चे कोशिश करते हैं लेकिन गिर जाते हैं। हाँ तो गाइस देखिए ये इस जगह पे, इसका यहाँ का व्यू देखिए, ये पानी है, इसके अंदर बत्तख डक्स भी डली हैं, मतलब रियल वाली, वो शायद उस साइड में है, काफ़ी बत्तख हैं, और उसी बत्तख की तरह जो है यहाँ पे बोट भी हैं। तो बोट देखिए किनारे में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, शायद दिखे, तो वो बोट दूर पे देखिए वहाँ पे खड़ी हैं, इधर खड़ी हुई बोट, इसी तरीके से पीछे पूरा बहुत काफ़ी दूर तक पीछे तक गया हुआ है, तो वो बोट चलती है यहाँ पे। और रात का टाइम हो चुका है और सब जा चुके हैं यहाँ पे, तो कुछ इस तरीके का मामला है ही नहीं, तो फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स हम अब चल रहे हैं वापस, निकलने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि कुछ देर और रुके हैं यहाँ पे, तो ऐसा लगेगा जैसे कुछ गर्म कपड़ों की ज़रूरत पड़ जाएगी क्योंकि ठंडक ज़्यादा है, टेम्परेचर यहाँ का डाउन है, वाटरफॉल वगैरह भी आगे है। तो अब निकलते हैं, ठीक है। तो अल्फैज भी आ चुके हैं और ये आए हैं जैद अली, इनका नाम है जैद अली, ये बहुत खतरनाक प्लेयर हैं, जितने छोटे हैं उतने खतरनाक हैं। इनके दांत देखिए आप सिर्फ, चॉकलेट खा खा के इन्होंने दांत ऐसे कर लिए जैसे चूहे के दांत होते हैं। फिर किसके दांत हैं ये, दांत किसके हैं, चूहे के हैं, छिपकली के हैं, छछूंदर के हैं, किसके दांत हैं बताओ, आए किसके हैं बताओ। तो यहाँ मोती के लिए क्या करने आ गए, ऐसे टहलने आए हो क्यों? अल्फैज के साथ, अल्फैज को हमने बुलाया था, तुम कैसे आ गए? पापन कहते हैं तो उसको एक के घुमा दो। ओहो पापन इसको एक जगह दिखाओ, घुमा दो, तो दांत देखे तुम्हारे, दांत दिखाओ, नहीं दिखाने कोशिश करो। हाँ ये देखो चूहे ऐसे दांत हैं इनके, और चूहे से दांत मालूम क्यों हो गए, क्योंकि उन्होंने चॉकलेट बहुत खाई है, दांत तो अच्छे थे। तो अल्फैज भी आ गए, अब चलते हैं निकलते हैं यहाँ से, कुछ खा पी के निकलेंगे, ठीक है।